कमलानगर डी ब्लॉक स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 7 सितंबर को भक्तों द्वारा उत्तम त्याग धर्म की पूजा अर्चना करते हुए जीवन में बुरे विचारों को त्यागने की भावना भाई। ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को त्याग धर्म के मर्म को समझाया। दशलक्षण पर्व के 8वें दिन आत्मा की शुद्धि के लिए विकार भावों को छोड़कर भक्तों ने उत्तम त्याग धर्म का पालन करते हुए मंदिरों में विधिवत पूजन किया। इसी क्रम में आगरा के कमलानगर डी ब्लॉक स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के सानिध्य में 7 सितंबर को नगर भक्तों ने उत्तम त्याग धर्म की पूजा अर्चना कर सभी मांगलिक क्रियाओं को सम्पन्न किया। कार्यक्रम में भक्तों ने उत्तम त्याग धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचारी सुनील भैया जी को शास्त्र भी भेंट किए। इसी अवसर पर भैया जी ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भक्ति रिद्धि सिद्धि नहीं आत्म शुद्धि के लिए की जाती है। कि भगवान की भक्ति रिद्धि सिद्धि नहीं बल्कि आत्म शुद्धि के लिए की जाती है। भगवान की भक्ति रिद्धि सिद्धि नहीं बल्कि आत्म शुद्धि के लिए की जाती है। भगवान की भक्ति करने से रिद्धि सिद्धियाँ भी मिल सकती हैं और भगवान की भक्ति करने से आत्मा की शुद्धि भी हो सकती है। निर्णय हमें करना है, हमें रिद्धि सिद्धियाँ चाहिए या हमें आत्मा की शुद्धि चाहिए। इस अवसर पर भक्तों ने भी अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। भैया जगन्ना आज अनूठे अद्भुत, कभी सुने ही नहीं, मैं 60 साल की नहीं, इतने बढ़िया प्रवचन दिए और उन्होंने दान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। जो जिसने दान दिया उसका निश्चित दूना होना है और दान खुले मन से देना चाहिए। दान चार प्रकार के, चारों प्रकार के दान ही बहुत अच्छे होते हैं, चारों प्रकार के दान ही करना चाहिए। भैया जी तो जब से आए हैं हम लोगों की पूरी वही बदल गई, बहुत अच्छे बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं और शायद मेरा तो अभी तक एक भी प्रवचन नहीं छूटा। यहाँ पर बहुत अच्छी दशलक्षण की पूजा हो रही है, पर्युषण पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। सुनील भैया जी आए हुए हैं आचार्य श्री के संगत ब्रह्मचारी और आज उत्तम दान का दिन है तो उन्होंने आज दान के ऊपर बहुत अच्छा बोला कि हमें दान चार प्रकार के करने चाहिए। उत्तम दान से ही नर जीवन सफल होता है और उनके प्रवचन का सब लोग इतने अच्छे से लाभ ले रहे हैं, इसका सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर जी में भक्तों ने पूजन के साथ ही होली के अवसर पर शालीमार मंदिर में आयोजित होने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भैया जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी सुनील भैया जी को श्रीफल भेंट कर निवेदन किया। सी न्यूज़ से अजय बहादुर की रिपोर्ट।